नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। मैं हूं बलिया थाना क्षेत्र के नुरजुमापुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। यहां पर अतिथि देवो भव का सिद्धांत को पालन करते निभाते निभाते आज लॉकडाउन 3 तक पहुंचे परिवार परेशान हो गए हैं। यहां अतिथि हैं, ये परदेशिया नहीं है, इन्हें कह सकते हैं कि विदेशी, लेकिन जो हमारा नेपाल है वो एक मैत्री देश में आता है, वहां से हमारा रोटी पानी का रिश्ता होता है। इसी रिश्ते के तहत ये यहाँ रिश्ते की चर्चा या रिश्ते की शुरुआत करने आए और पिछले 50 दिन से ये उग गए हैं। उग गए हैं का मतलब है कि इन्हें अपने घर का काम ज्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ अतिथि सेवा में शायद हमें लगता नहीं दिक्कत हुआ हो। आप नेपाल से हैं, कहाँ आए थे? यहाँ छठा करने के लिए आए थे। ये शादी का एक रस्म होता है जिसकी शुरुआत होती है दो संबंध, यहाँ संबंध स्थापित करने की बात है और फिर आप यहाँ फंस गए। तो रहिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर? हम लोग घर परिवार के याद आता है, घर परिवार से बातचीत होता है तो वहाँ से रोते हैं, जल्दी आइए बोलते बोलते हैं। बिल्कुल मानवता की बात है कि जैसे भारत में वंदे भारत या सैनिकों के लिए जिस तरह का योजना चल रहा है, शायद नेपाल में नहीं चल रहा हो इस वजह से, लेकिन यहाँ जो हमारे अतिथि है उनको भेजने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। इन परिवार जो इन्होंने प्रशासनिक तौर पर बहुत सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन पहचान या और भी अप्रोच नहीं होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। और देव मिलाता हूं मैं इन देवों से, आप यहां कुछ तकलीफ है, रहने में दिक्कत है, सेवा हो रहा है अतिथि के रूप में? सेवा तो हो रहा है लेकिन घर से बहुत बच्चा छोटा छोटा, आपके घर की समस्या की वजह से आप जाना चाहते हैं? जी हाँ, बच्चा छोटा छोटा है, भूखे मर रहा है, हम सुनना ना यहाँ खाने, यहाँ कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है, लेकिन वहाँ मर रहा है तो खुद देख सकते हैं आप। आवश्यकता है कि इनको अपने घर, हर आदमी हर इंसान अभी चाह रहा है कि इस वैश्विक महामारी में अपने परिवार के पास जाए, और जब घर में परेशानी हो, बिल्कुल परेशान है इनको, आप देख सकते हैं। हम मैं मिलाता हूँ यहाँ के जो इनको रखे हुए हैं, जो इतने मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि अतिथि देवो के सिद्धांत को पालन करते हुए इन्होंने चार आदमी को बहुत स्वागत के साथ रखा हुआ है, लेकिन अब वो परेशान हो गए हैं। आपके पास आपके अतिथि हैं, ये योगेंद्र प्रसाद जी, नुरजुमापुर वार्ड नंबर 7। हमारे लड़का को ये लोग छिड़का देने के लिए आए थे नेपाल से, इसी बीच में 5 तारीख को कर्फ्यू लागू हो गया और उसके बाद लोग जाने लगे, इनको रोक दिया गया। सरकारी आदेश का इन्होंने पालन किया और इन्होंने रोक दिया गया, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो उनका दर्द है उसको देखना है, हमारी सबसे मजबूरी है कि उनके दर्द को देखना है, उनको किसी तरह से नेपाल पहुंचाना है, ये हमारी सरकार हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आप इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी परेशानियां, वहां घर से फोन आ रहा है, लोग बहुत बीमार है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, आपके छोटे बच्चे बीमार है वहां पे? मेरा 2 महीना का बच्चा है और मैं भाड़ा में रहता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, तबियत खाता हूँ, नहीं काम करूंगा तो खा नहीं पाएगा। देख सकते हैं हर जगह की जिम्मेदारी है, यदि हमारे नागरिक है, हम परेशान है उनको, हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नेपाल सरकार किस प्रकार वहां के नागरिकों को देख रहा है या कर रहा है। जो इनकी जिम्मेदारी है, ये घर के सारे जो जिम्मेदार आदमी है, जो कर्ता धर्ता है, वो सब के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहां सब हकलान पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा बिहार सरकार से या प्रशासनिक व्यवस्था से कि किसी तरह से भी इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए।